अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करके गूगल एडसेंस से पर डे $1000 या फिर उससे अधिक कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हो लाइव डाटा शेयर कर रहा हूँ, गूगल एडसेंस का टू डे सो फार आप देख सकते हो $873 हुए हैं और सेकंड एडसेंस अकाउंट ओपन कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश करके मैं लाइव डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड में $700 प्लस हुए हैं, $710 हुए हैं और पेज व्यू भी आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस से पर डे $1000 कैसे कमा सकते हैं। अगर आप गूगल एडसेंस से पर डे $1000 कमाना चाहते हैं या फिर उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं या फिर $1000 कमाने के लिए मैं कैसे वर्क कर रहा हूं एडसेंस से, अभी आपके साथ $1000 पर डे अर्निंग का लाइव डाटा शेयर किया हूं गूगल एडसेंस का। अब आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे होंगे कि ये अर्निंग कैसे हो रहा है, ट्रैफिक कहां से आ रहा है, आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड की एक दूसरा चैनल है ऑल हिंदी में हेल्प, आप देख सकते हो यहां पर एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैं आपको लाइव दिखाया था मेरा ट्रैफिक सोर्स ऑर्गेनिक है, 50,000 विजिटर पर डे आ रहे हैं और ये यूएस से आ रहे हैं। तो जो भी टारगेट किया हूँ यूएस कंट्री को टारगेट करके मैं वेब स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ और आज के टाइम में जो $1000 पॉसिबल है ब्लॉगिंग से वो वेब स्टोरी से आप कर सकते हैं, वेब स्टोरी से अर्निंग कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे आपको पता होगा वीडियो बना चुका हूँ वेब स्टोरी से रिलेटेड, पिछले 5 से 6 मंथ पहले से वेब स्टोरी का मैं आपको बता रहा हूं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे वर्क करता हूं एक वेबसाइट के एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के टाइम में आप वेब स्टोरी से $1000 या फिर उससे अधिक अर्निंग कर सकते हैं, आप $100 भी अर्निंग कर सकते हैं तो आसानी से वेब स्टोरी से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करूंगा बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वेब करो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अभी दिखाऊं और बताऊंगा लाइव कैसे आप कर सकते हो। तो जो पॉसिबल है वेब स्टोरी से यूएसए को टारगेट करके ट्रैफिक आ रहा है और आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा टूल यूज करना चाहिए, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक डोमेन है webkaro.com और अभी इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में हूं और आप देख सकते हो स्टोरी में एक भी वेब स्टोरी नहीं क्रिएट किया गया, बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं मैं कैसे वर्क कर रहा हूं और कैसे आप यूएस के लिए वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप ऐसे काम करेंगे 100% रैंक होगा और आप $100 या फिर उससे अधिक कमा सकते हैं पर डे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे मेरे पास दूसरी वेबसाइट है जो यूएस के लिए टारगेट करता हूं, तो इस तरह का मैं इस पर एक भी वेब स्टोरी नहीं, आप देख सकते हो webkaro.com पर। और जो आपका मेन डोमेन नेम होता है जिस पर आपका ट्रैफिक आता है वो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कॉपी लोग करने लगते हैं और जब कॉपी करेंगे तो आपका डाउन हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी वेब स्टोरी कॉपी कर रहा है या फिर कंटेंट कॉपी कर रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आप DMCA भेज सकते हो, कैसे टेकडाउन का नोटिस भेज सकते हो, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो लोग कॉपी करते थे, मैं 4-5 लोगों को भेजा हूँ और उनकी वेबसाइट डाउन हो गई है और वो अब लोग कॉपी नहीं करते हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं कैसे आप यूएसए कनाडा के लिए आप ट्रैफिक ला सकते हैं और वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल ट्रेंड को यहाँ पर सर्च कर लेना है, गूगल ट्रेंड में आप देख सकते हो बहुत सारे यूएस कंट्री करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ से करते हैं और मैं आपको ट्रिक बताया था दूसरे चैनल पर आपको कैसे करना चाहिए, इसमें मैं आपको दिखाया था कि कैसे आपको करना चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं थोड़ा सा ये वीडियो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लेडी गंगा करके है एक कीवर्ड और 1,00,000 सर्च हुए हैं आप देख सकते हो 3 घंटा में और 13 घंटा पहले पोस्ट अपडेट हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेंड में भी है। और अगर आप जाएंगे जो यहाँ पर यूएसए टुडे है तो वहाँ पे अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यूएसए टुडे अगर आप सर्च करेंगे देख सकते हो यहाँ पर एक यूएसए टुडे एक वेबसाइट है, इस पर जाएंगे तो आप चेक करेंगे इंटरटेनमेंट कैटेगरी बेस्ड होता है, मैं ज़्यादातर यहाँ पर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ और आपको पता होगा कि मैं वेब स्टोरी बताया भी हूँ कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर आप करेंगे जल्दी वायरल होता है, तो यहाँ पे भी है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ लेना है या फिर अगर आपको रीराइट करना है, लिखना नहीं आता है तो जो बेस्ट टूल होता है जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर वर्ड AI करके आप देख सकते हो, और यहाँ पर वर्ड AI में आपको
रीराइट करने का ऑप्शन मिल जाता है और ये 100% यूनिक रीराइट करता है और कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ने में भी आपका दिक्कत नहीं आएगा। 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से SEO2 लड़ा पे आपको मिल जाता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीराइट कर सकते हैं, आप कंटेंट यहाँ से बना सकते हैं यूनिक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कीवर्ड है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएंगे। कीवर्ड आप बना लें, इंस्टाग्राम आईडी बना लें, उसके बाद से आप अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं यहाँ से तो देखेंगे बहुत सारे न्यूज अपडेट होंगे, वहाँ से मिल जाएंगे। इसका इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपको वेब स्टोरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इमेज आपको डाउनलोड करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे गूगल से इमेज डाउनलोड कर लें या फिर कहाँ से करें, तो गूगल से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का लोगो नहीं आना चाहिए इस पर, फोटो पे लोगो आएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। वैसे स्टार्टिंग में जब आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती है तभी दिक्कत होता है, जो न्यूज वाले होते हैं वो लोग क्रेडिट दे देते हैं। तो मैं ज़्यादातर अगर ट्रेंडिंग न्यूज है, जो ट्रेंड होता है वो एक ज़्यादातर, देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी इनका मिल जाता है तो इंस्टाग्राम से भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ HD क्वालिटी का। यहाँ पर मैं यहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, सब कुछ ऐसे ही करता हूँ। फ़ोटो और कंटेंट बनाने के बाद से आपको स्टोरी में जाना है, फ़ोटो आप डाउनलोड कर लीजिए, कंटेंट आप रीराइट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर करके रखा हूँ, सब कुछ रेडी करके रखता हूँ। उसके बाद से आपको करना क्या है, वेब स्टोरी बनाने के लिए फ़ोटो अपलोड करना है। मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मुझे जितना स्लाइड बनाना है उतना मैं फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। 7 स्लाइड बनाना है तो 7-8 आप फोटो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ऐड करने के बाद से कैसे आपको क्रिएट करना है, क्या ट्रिक होता है, कैसे आप वैलिड कर देंगे कि आपका AMP सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं देखो क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिए, ये फ़ोटो आ गए हैं। फोटो आने के बाद से सबसे पहले फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, जो भी स्लाइड होता है आपको 4-5 स्लाइड का इमेज HD क्वालिटी का रखना चाहिए, बेस्ट लुक आता है और स्लाइड यूनिक लगता है। जो लोग मोबाइल में जब विजिट करते हैं, 99.9% लोग मोबाइल से मेरे वेबसाइट पर आते हैं, तो ज़्यादातर वेब स्टोरी से आते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये देखो स्लाइड आने के बाद से अब आपको लोगो ऐड करना है। लोगो के लिए आप देख सकते हो, लोगो मैं सर्च कर लेता हूँ, लोगो का भी साइज होता है, लोगो का साइज आप बना सकते हो। ठीक है, ये ऐड करने के बाद से अब आपको यहाँ पर ऐड टाइटल का ऑप्शन है, तो टाइटल जो आपका है आप यहाँ पर कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें। उसके बाद से आपको करना क्या, देखिए ये हो गया। अब इसमें एनिमेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी वेब स्टोरी में एनिमेशन ऑफ हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब कुछ करने के बाद से इंसर्ट पर जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में आपको पैराग्राफ लेना है और पैराग्राफ लेने के बाद से आप यहां से जो भी आपका पैराग्राफ है आप पूरा लाइन अपना कॉपी करें, जो मेन पॉइंट होता है यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। बस आप लिख लेंगे, कंटेंट मैटर बना लेंगे, क्या हमें अपडेट करना है। उसके बाद से यहां पर 24 कर देते हैं फॉन्ट साइज। अब हमें यहां पर जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर देना है, देख सकते हो। अब यहाँ पर स्टाइल के अंदर नीचे जाएंगे, ये स्टाइल रहा, नीचे जाने के बाद से फिल का ऑप्शन है। फिल में जाने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, यहाँ से मैं दे दिया हूँ। अलाइनमेंट कर लेते हैं यहाँ पर सेंटर, कर देते हैं फॉन्ट साइज। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये देखिए बॉक्स बना है, इसके ऐसे रहना चाहिए। बस आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया है रेडी। अब आपको डुप्लीकेट कर देना है, यहाँ पे 7 स्लाइड ऐसे क्रिएट कर लेना है, कम से कम 7 से ज़्यादा क्रिएट करना है, 7 से ज़्यादा 8 हो सकता है, 7 से कम मत क्रिएट कीजिएगा। तो 8 स्लाइड हम बना चुके हैं। बनाने के बाद से सभी में आप पोस्ट और इमेज कैसे अपलोड करना है आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, इंसर्ट, जो भी हम इमेज इंसर्ट किए थे आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसे ऐड कर देना है, फिर जो जो इमेज हमें ऐड करना है वहाँ से ऐसे ऐड कर देना है। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केल ऑप्शन से आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एडजस्ट करना चाहें, ठीक है ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए 4 नंबर स्लाइड का इमेज हम ऐसे कर लेते हैं प्लस आइकन से। तो बस यही सब ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस कंटिन्यू वर्क करना हो। एक दो वेब स्टोरी से नहीं कुछ होगा, ऐसे मैं जानता हूँ कि लोग वेब स्टोरी बनाते हैं, एक दो बनाने के बाद से छोड़ देते हैं, बट अगर आप ये सब काम करेंगे, छोड़ने वाला काम करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा।
कम से कम 5 तो डेली बनाई ही बनाइए। अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया के टाइम के 12 बजे के पहले पब्लिश कर देना है। जैसे कि मैं वीडियो में बोला था इस वीडियो में कि आपको कम से कम 7-8 बजे सुबह में पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे 4-5 बजे होंगे तो आपका हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। अब ये स्लाइड ऐड करने के बाद से हमें टेक्स्ट ऐड कर लेना है। अब टेक्स्ट को आपको पता ही है कि कैसे आपको ऐड करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं करके आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। अभी आप देख सकते हो सब स्लाइड इमेज और टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, और इमेज का क्वालिटी आप देख सकते हो यूनिक होना चाहिए, क्वालिटी बहुत ही HD होना चाहिए जहाँ तक हो सके। और लास्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर स्टाइल में जा करके कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन बटन है, और यहाँ पर अपनी दूसरी वेब स्टोरी का लिंक लगाना है, इससे रिलेटेड अगर है तो ठीक है, नहीं तो जो आपका नेक्स्ट जो स्लाइड होगा जैसे कि आप लिखे हैं वो वाला ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लर्न मोर है, यहाँ पर क्लिक हियर कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, क्लिक हियर लिख दिए, और यहाँ पर आइकन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं जो भी आपका इमेज है, जो आपका यहाँ पर लिंक लगाए हैं जिसका उसका इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद से आप यहाँ पर चेक करेंगे चेक लिस्ट में तो आपको 2 एरर दिखाई दे रहा है, तो ये आपको फिक्स कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर 2 एरर ऐड वेब स्टोरी डिस्क्रिप्शन, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं ऐड किए हैं और इमेज नहीं ऐड किए हैं, देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इमेज का ऐड पोस्टर और डिस्क्रिप्शन बाकी सब कुछ सही है, तो 2 एरर आए हैं। तो अभी पब्लिश पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपका पोस्टर का ऑप्शन आ गया नीचे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और पोस्टर ऐड कर देते हैं। पोस्टर ऐसा ऐड करें क्लिकबेट पोस्टर आपको ऐड करना होगा, ये देख सकते हो, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था 180 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 180 करेक्टर से ज़्यादा ना कीजिए। और ये करने के बाद से बस आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है, पब्लिश करना है, और ये देख सकते हो आपका स्लाइड रेडी हो गया है। और अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो गूगल एडसेंस से ब्लॉगिंग के थ्रू पर डे $1000 या फिर उससे अधिक कमा सकते हैं ये काम करने के लिए। और ये काम कैसे किया जाता है, कैसे हाई क्वालिटी इमेज डाउनलोड किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, कैसे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ कैसे वर्क करना है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो फिर से आप देख सकते हो। और यहाँ पर जाने के बाद देखो मैं यहाँ पर जैसे ही पब्लिश करूँगा तो अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर AMP सपोर्ट है या नहीं है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे जब आपका यहाँ पर इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स बहुत ही फास्ट होते हैं क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो आपका फास्ट इंडेक्स होगा, नहीं होगा तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लाइव टेस्ट अभी करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लाइव टेस्ट का चेक करते हैं, जो भी एरर होगा यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हो लाइव टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर AMP भी वैलिड है और मोबाइल फ्रेंडली भी है आप देख सकते हो, और यहाँ पर यू कैन बी इंडेक्सड, तो ये सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। अगर ऐसे काम करेंगे तो पर डे आप 5+ को टारगेट करते हैं US के लिए वेब स्टोरी बनाएंगे तो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, पर डे आप $15 से $20 कमा सकते हैं। टेक्स कैसे ऐड करना है, कहाँ से कैसे फंड करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। और अगर आप ब्लॉगिंग करके $1000 कमाना चाहते हैं पर डे तो कितना वर्क करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं बता दिया हूँ, बस आप इस वीडियो को देखेंगे सीखेंगे और अपनी वेबसाइट पर वर्क करेंगे, गारंटी देता हूँ कि आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वेब करो पे नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।